आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में बोला गया कि फलन fx बराबर दिया है gx प्लस hx, है ना। इस पर विचार कीजिए, जहां gx जो है हमें दिया गया है sin x बटे 4 और hx दिया है cos ऑफ 4x बटे 5। तो हमें जो फलन gx है इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है ना, मतलब इसके लिए देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन का फलन है ना, तो gx बराबर हमें दिया गया है साइन x बटे 4, है ना, साइन x बटे 4। तो देखिए, पहले तो देखिए साइन x जो होता है ना, साइन x, इसका आवर्तकाल क्या होता है, इसका आवर्तकाल होता है 2π, ठीक है, कितना 2π। और अगर यहाँ x के साथ कोई गुणांक आ जाता है जैसे साइन ax, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, 2π बटे a। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे प्रश्न में ये जो साइन है, साइन के साथ किसका गुणा है, साइन x, x के साथ 1/4 का गुणा है ना, 1/4 का गुणा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम तुलना करें, अगर इससे अगर तुलना करें तो a बराबर कितना है यहाँ पे, 1/4, ठीक है ना। यहाँ x के साथ 1 का गुणा, यहाँ x के साथ 1/4 का गुणा है, तो a बराबर 1/4 हो गया। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा 2π बटे a, अर्थात 2π बटे 1/4, ठीक है। तो ये आ गया अपना, यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 2π बराबर 8π, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। तो ये जो gx है ना, केवल ये gx वाला भाग है, इसका जो आवर्तकाल होगा क्या होगा, 8π होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।